कैराना उपचुनाव के लिए अखिलेश ने कौन सा चक्रव्यूह रचा है? कैराना में एक तीर से कौन से दो निशाने साधेंगे एसपी प्रमुख? यूपी की कैराना लोकसभा और बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं। गोरखपुर और फूलपुर की सीट गंवाने के बाद जहां भगवा खेमा नई रणनीति के साथ विपक्ष पर पलटवार की तैयारी में है, तो वहीं एसपी मुखिया अखिलेश यादव भी कैराना में एक तीर से दो निशाना साधने के मूड में हैं। कैराना सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एसपी और आरएलडी में सहमति बन गई है। इतना ही नहीं, इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने जो खास रणनीति बनाई है उसके मुताबिक इस सीट पर अब आरएलडी के टिकट पर एसपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाल ही में अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह के बीच हुई बैठक में कैराना सीट को लेकर बनी पहली रणनीति बदल गई है। इससे पहले जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच बैठक में यह तय हुआ था कि कैराना सीट पर एसपी और नूरपुर सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, लेकिन इसके बाद खुद अजीत सिंह ने अखिलेश से बात कर उन्हें कैराना सीट का समीकरण समझाया। इसके बाद तय किया गया कि पूर्व सांसद और एसपी नेता तबस्सुम हसन आरएलडी के टिकट पर कैराना सीट से चुनाव लड़ेगी। इस नई रणनीति के तहत अखिलेश ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ गए जाट वोटों को आरएलडी की मदद से वापस मुस्लिम वोटों के साथ जोड़ना, और दूसरा, एसपी प्रत्याशी को आरएलडी के टिकट पर लड़ाकर 2019 के गठबंधन के लिए चौधरी अजीत सिंह की प्रतिष्ठा को सामने रखना। जाहिर है, ऐसा हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम का ये नया समीकरण 2019 में गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश अपनी इस रणनीति में कहां तक कामयाब होते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।